वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले बात याद रखनी है कि हमें ईमान के चलना है या मान के नहीं चलना है। सबसे पहली बात यही है कि प्रॉफिट लॉस क्या है, एक इजी टॉपिक है, मोस्ट इजी टॉपिक है, और बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन आते हैं, इजी है और लिमिटेड है। इसलिए इसका क्या है, हर अर्थमेटिक में इसका क्या है, ग्राफ सबसे ऊपर है, टॉप का यहाँ पे क्या है, ये टॉपिक है। इसमें सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है कि परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए और रेशो की थोड़ी समझ होनी चाहिए, वरना ये ना इनका, इन दोनों का बाय प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है। अगर ये दोनों आते हैं, मीन्स वो भी बहुत लिमिटेड तरीके से आते हैं डायवेशन टाइप के, तो आप ना इस टॉपिक को आराम से कर लो, कोई डरने की बात नहीं है, मोस्ट ईजी टॉपिक। हम अब टर्मिनोलॉजी पे जा रहे हैं, धीरे धीरे हम टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, बहुत इजी टॉपिक पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी सी भाषा को समझेंगे। इधर पे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, इसी को हिंदी में लागत मूल्य भी कहते हैं। और क्वेश्चन में आ गया कि उसका लागत मूल्य क्या है और क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य ना दिया हो लागत मूल्य दिया हो तो हम सीपी की बात कर रहे हैं। तो सीपी और सेलिंग प्राइस जो होता है इसको हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं और इसको हम शॉर्ट में एसपी लिख देते हैं। क्वेश्चन नहीं समझा हमने, बस टर्मिनोलॉजी समझ रहे। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि मान लो कि मैं एक दुकान पे गया, पिताजी ने मुझे 10,000 रुपए दे दिए और मैं 10,000 का एमआई का मोबाइल ले आया, तो बताइए कि मैं 10,000 रुपए का मोबाइल बस ले आऊंगा, डब्बा है मोबाइल, अभी कुछ नहीं चलेगा उसमें, मुझे सिम खरीदनी पड़ेगी, कवर लेना पड़ेगा, टेम्पर लेना पड़ेगा, तो भाई टोटल मुझे लग जाएगा पैसा। तो मैंने 100 रुपए का कवर खरीदा, 300 रुपए की सिम खरीदी, अब मेरे लिए टोटल कितने का पड़ गया मोबाइल, 10,400 का मोबाइल पड़ गया। ये हमारे लिए एक्चुअल एसपी है, ये हमारे लिए एक्चुअल एसपी है। और इसको क्या हुआ कि अब मेरे लिए थोड़ी गरीबी आ गई, अब गरीबी आ जाने के कारण मैंने क्या किया, एक गांव के लड़के को चूतिया बना के क्या कर दिया, मैंने 6,000 रुपया बढ़ा के कह दिया कि भाई बहुत ब्रांडेड मोबाइल है ले लो, तो 6,000 रुपया मैंने बढ़ा दिए और ये मोबाइल कितना का हो गया, 10,400 का मैंने किसी उस लड़के को बेच दिया। इधर पे हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है, हम अधिकतर जो है 99% कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं है लेकिन कोशिश हम ये करेंगे कि हम इन सवालों को रेशो से करें। रेशो से करें मतलब क्या है, अगर हमें कोई भी परसेंटेज वैल्यू दी गई है, हमें कोई भी रियल वैल्यू दी गई है, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम इसको रेशो में ले जाएं। जैसे 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है, और हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस जो होता है, ऑलवेज काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस, हमेशा क्रय मूल्य पे, लागत मूल्य पे और कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे हमारा प्रॉफिट और लॉस, हानि और लाभ निकलता है हमेशा। नीचे जो वैल्यू होगी वो हमारा उस पे निकलेंगी। हम एग्जाम्पल फॉर देख लेते हैं कि यहां से मैंने 10,000 का मोबाइल खरीदा किसी होलसेलर से और मैंने इसको 6,000 रुपए में क्या कर दिया, बढ़ा के एक गांव के बच्चे को, लड़के को बेच दिया, तो जरूरी थोड़ी मुझे 6,000 का फायदा हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसमें मैंने 100 रुपए का कवर भी डाला है, 300 रुपए का सिम भी डाली है, ये मैं खर्चे सब जोड़ दूंगा, फिर इस खर्चे तक इधर तक जितना फायदा हुआ एक्चुअल, इधर 10,400 से 16,400 तक मुझे जितना फायदा हुआ उतना मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमारा प्रॉफिट होगा। इसलिए हम इधर पे अकाउंट करेंगे कि हमारा एसपी से अकाउंट करते हैं, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट लॉस हमेशा एसपी पे अकाउंट करते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, एसपी होगी, ऊपर वाला हमें 1/4 है और इसका मुझे इतने 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऊपर वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट होगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी पे प्रॉफिट हो रहा है तो 5 यहाँ पे एसपी हो जाएगा। समझने वाली बात है कि इधर पे मैंने 10,000 हमारा ये सीपी था, ये हमने 6,000 रुपए बढ़ा के लगाए, तो इधर पे जो ये प्रॉफिट हुआ मुझे 6,000 रुपए का, ये 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और इतने का मेरा सेलिंग प्राइस था। इधर से हम समझ जाते हैं, सेलिंग प्राइस अगर है हमारे लिए तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और लॉस होगा, यानी कि या तो मुझे सेलिंग प्राइस पे कुछ प्रॉफिट होगा कुछ कितने रुपए का हो या लॉस होगा, वो इन दोनों का जोड़ या घटाओ जो है वो एसपी होता है। अभी हमने सीपी और एसपी हम पढ़ चुके हैं, सीपीएसपी के बाद सीपीएसपी में 3 कंडीशन पड़ सकती है। भाई एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, दोनों लड़ाई हो गई, या तो बड़ा भाई मानेगा कभी छोटा भाई मानेगा, या दोनों बराबर को, मीन्स एक बिस्किट है बांटना है मम्मी पापा को, तो यार बड़े भाई को बड़ा दे देगा कई बार, कभी छोटे भाई को ज्यादा दे देगा, कभी दोनों को बराबर बांट देंगे। ऐसे यहाँ पे देखेंगे कि हमें फायदा जब होगा, जब हमारा एसपी बड़ा होगा सीपी से। कैसे, जैसे मैंने 4,000 रुपए की चीज बेची
और मैंने 3500 रुपए की मैंने कोई चीज खरीदी थी, तो मैं 500 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो अगर एसपी बड़ा है तो हमें हमेशा फायदा होगा। अगर हमारा सीपी जो है वो बड़ा है एसपी से, भाई मैंने 4000 रुपए की चीज बेची थी और मैंने यहाँ पे 4000 रुपए की मैंने बेच दी चीज, और मेरी जो खरीदारी थी वो इधर पे, यहाँ पे समझने वाली बात है कि मैंने मेरा एसपी जो था वो कितना था, 4000 था वो एसपी था मेरा 4000, और मेरा एसपी मेरा एससीपी था 4000 और मैंने बेच दी 3500 की, तो मुझे क्या हो जाएगा, 500 घाटा हो जाएगा। मैंने 4000 की खरीदी कोई चीज और 3500 की बेच दी, 500 रुपए का घाटा तो हो गया। तो इस कंडीशन में अगर एसपी हमारा अगर छोटा है सीपी से, तो हमें क्या, हमेशा घाटा ही होगा। और थर्ड कंडीशन बनती है नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, इधर पे ना मुझे फायदा होता है ना घाटा होता है। 4000 की चीज मैंने खरीदी थी, 4000 की चीज मैंने बेच दी, तो ऐसे में क्या होता है, मुझे ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। इधर पे अब हमने क्या पढ़ लिया है, हमने एसपी पढ़ लिया है, सीपी पढ़ लिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देख ली हमने, 3 केसेस देख लिया। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट के बारे में हमने पढ़ा था, प्रॉफिट में हमने पढ़ा था कि हमारा एसपी जब बड़ा होता है सीपी से तब हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और जब हमारा लॉस कब होता है, लॉस जब होता है जब हमारा सीपी जो होता है वो एसपी से क्या होता है, एसपी से क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस हम क्या निकालते हैं, हमने पहले बता दिया था कि प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। सीपी हमारी बेस वैल्यू होती है। इधर पे देखेंगे प्रॉफिट रुपए में सीपी पे निकलता है 100%। हम जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी हमारा प्रॉफिट होता है, अपॉन में सीपी लिखेंगे 100%। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसकी जरूरत अपन को पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी, यहाँ पे देख लेते हैं। सीपी हमारे लिए किसी क्वेश्चन में दे दिया है कि मान लेते हैं कोई फ्रिज लेने गया हमें, तो फ्रिज लेने गया हमें तो 7500 की फ्रिज आई है, 7500 का मोबाइल, मोबाइल है, मैं मोबाइल लेने चला जाता हूँ, मोबाइल 7500 का मोबाइल मैंने खरीदा और उसको मैंने 9900 रुपए का बेच दिया, तो मुझे इधर पे 7500 से 9900 के बीच मुझे 2400 रुपए का फायदा हुआ। किस पे, 7500 पे, सीपी पे निकालते हैं हम, तो 100% कितना, 32%। अब रेशो का कमाल आप देखें कि इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको रेशो में बना लेते हैं, रेशो बना लेते हैं, तो रेशो बना लेते हैं 25:3 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 से 2 से 3 से काटेंगे तो 25:3 हो जाएगा। मुझे 25 से 33 तक 8 रुपए का फायदा हो रहा है, 25 पे तो 100% पे कितना, 32% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे ये भी बात याद रखना चाहिए कि हम रियल वैल्यू तब नहीं लेते हैं, रियल वैल्यू हम तब नहीं लेते हैं जब हमें ऑप्शन में आंसर में हमारे लिए अगर परसेंटेज वैल्यू आ रही है तो हम क्वेश्चन की रियल वैल्यू को भूल जाते हैं, जिस प्रकार यहाँ भूल जा रहे हैं 7500 99 हमने रेशो निकाल लिया। अब लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100%। लॉस क्या होता था, सीपी माइनस एसपी, सीपी हमारा बड़ा होगा तो हमारा एसपी से तो लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा सीपी मान लेते हैं कि 6000 रुपए का है, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, कोई 6000 रुपए का लैपटॉप है और इसको मैंने खरीद के 6000 का 4000 रुपए को बेच दिया, तो मुझे 6000 में से 4000 घट जाएंगे तो 2000 रुपए का घाटा हो गया। किसपे, 6000 रुपए, तो 100% कितना, 33.3%। हम इसको क्या है, हमें क्या करना है, ये तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें क्या करना है, रेशो को ज्यादा ज्यादा यूज करना है। 300 में से 300 काट देंगे, 2 2 4 2 3 6, तो 1 रुपए का मुझे घाटा हो गया। किसपे, सीपी पे, हमें लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज किसपे निकालते हैं, सीपी में निकालते हैं, तो 1 रुपए का घाटा हो गया 3 पे, तो 100% कितना, 33.3% का क्या हो गया, घाटा हो गया। हमने इधर पे प्रोसेस पे अब हम एमपी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मार्क प्राइस पढ़ने वाले हैं, मार्क प्राइस हो चाहे लिस्ट प्राइस हो चाहे इसको एमआरपी कहें, सब बराबर है, इनके सिनोनिम्स हैं, सब इनके जो है पर्यायवाची शब्द हैं। अंकित मूल बोलते हैं मार्क प्राइस को, सूची मूल बोलते हैं लिस्ट प्राइस को हिंदी में। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली मार्क प्राइस होता क्या है, मार्क प्राइस क्या है, जैसी कोई कोई चीज मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड से ही वीडियो बनाई, जिसमें ट्राइपॉड है, यहाँ पे ट्राइपॉड हम 500 रुपए की 500 रुपए एक होलसेलर ने एक रिटेलर को दिया, तो उसने इस रिटेलर ने दुकान अपने विक्रेता को दे दिया, तो क्या हुआ कि 500 का ये एक्चुअल में बना था, इस कंपनी ने इसको 500 का बनाया था,
और इसने बेच दिया एक दुकानदार को। अब दुकानदार ने इस पे 300 रुपया का लेबल चिपका के 800 रुपया का लेबल ट्राइपॉड पे चिपका दिया। वो मार्कअप प्राइस है, वो अंकित मूल्य है, वो लिस्ट प्राइस है, वो सूची मूल्य है, वो एमआरपी है, मार्क रिटेल प्राइस है, वही है सब कुछ, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इधर पे हम देखेंगे कि मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है हम यहां पर दिया गया, हम देख लेंगे अभी। तो पहले मार्कअप समझ लेते हैं, मार्कअप क्या होता है। मार्कअप जो होता है वो एमपी माइनस सीपी होता है। 800 में से 500 घटा देंगे तो मार्कअप आ जाएगा हमारा, मार्कअप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मार्कअप आ जाएगा। तो मार्कअप क्या हो जाएगा, मार्कअप रुपीज में एमपी माइनस सीपी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब एमपी माइनस सीपी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 में से 500 जाएंगे 300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मार्कअप कितना आ जाएगा, 300 आएगा। यहाँ पे हम देख रहे थोड़ा सा एग्जांपल लेके, तो हमें इसका पक्षांतर कर देते हैं। एक्चुअल में एमपी अब आ गया हमारा, मार्क प्राइस आ गया कि नहीं आ गया। हम कहें आपसे मार्क प्राइस क्या है, अंकित मूल्य क्या है, लिस्ट प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है, तो क्या बोलोगे, सीपी प्लस मार्कअप, जो एक्चुअल कीमत थी उसकी उसमें तुमने कितना मार्कअप कर दिया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एमपी, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा एमपी हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। मार्क प्राइस यहां पे सब पूरा लिख दिया जितनी भाषा हो सकती है इसमें लैंग्वेज। तो एमपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस मार्कअप हो जाएगा। और मार्कअप हमने क्या समझा, मार्कअप क्या होता है, एमपी माइनस सीपी होता है। समझ रहे बात को, तो मार्कअप परसेंटेज क्या हो जाएगा, मार्कअप परसेंटेज क्या हो जाएगा, मार्कअप प्लस सीपी। हम पहले पढ़ते थे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, क्या लिखते थे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100% लिखते थे। यहीं पे अपन लिख रहे हैं मार्कअप, तो मार्कअप अपॉन सीपी इनटू 100% लिखेंगे। और मार्कअप हमने पढ़ा क्या है, एमपी माइनस सीपी होता है। तो इस फॉर्मूले में ऐसा लिखेंगे कि मार्कअप क्या होता है, एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100, मार्कअप परसेंटेज हो जाएगा। और हमारे का परसेंटेज सवाल में देखें तो क्या हो जाएगा, 300 रुपए का हमने मार्कअप किया 500 पे, तो मार्कअप परसेंटेज कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। हम यहाँ पे डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं, हमने यहाँ पे एमपी पढ़ लिया था, अब हम डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। जब हमने एमपी पढ़ लिया तभी हम डिस्काउंट पढ़ सकते हैं, मार्क प्राइस हमने पढ़ ली तभी हम यहाँ पे डिस्काउंट पढ़ सकते हैं। क्योंकि डिस्काउंट जो मिलता है वो किस पे मिलता है, मार्क प्राइस मिलता है, एमपी मिलता है। हमने लिख दिया पहले, डिस्काउंट जो होता है काउंट ऑन एमपी, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट काउंट होता है। जिस प्रकार मार्क प्राइस सीपी पे काउंट होता है, सीपी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे काउंट होता है, सही ये पूरा अपन बनाया गया है कि नीचे जो बेस वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ये रहेगी एमपी रहेगी। हम मान लेते हैं हमने कल ही पढ़ा था सीपी, किसी वस्तु का सीपी 500 रुपए है, एमपी 800 रुपए है और एसपी 700 रुपए है। तो हमें बताइए कि डिस्काउंट कितने का दे दिया, किसी आदमी ने किसी मोबाइल की कवर की प्राइस 800 रुपए रखी और उसने मेरे लिए 700 रुपए की दे दी, तो बताइए मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसने मुझे 800 रुपए, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, 12.5% का डिस्काउंट दे दिया। मैंने पहले भी कहा था कि जो डिस्काउंट होता है एमपी पे, जो लिखी हुई मार्क प्राइस उस पे काउंट होता है। तो इस प्रकार आ गया कि अपन को डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला, 12.5% का मिला और रियल वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए थी, ठीक है। और मार्कअप परसेंटेज हम कल भी पढ़ चुके थे कि 60% है। कि मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, कोई रियल चीज है मेरी सीपी है, जैसे 500 रुपए है, घर पे 500 रुपए में आदमी ने अपने खर्चे मर्चे निकाल के और अपने प्रॉफिट निकाल के जितनी प्राइस बढ़ा के लिखी है, जैसे 300 रुपए बढ़ा के 800 रुपए लिखी है, तो ये 300 रुपए जो करा है ये मार्कअप हो गया, ये मार्कअप हो गया। और मार्कअप करने के बाद जो चीज आई वो क्या हो गई, एमपी हो गई, मार्क प्राइस हो गई। तो हमने बस डिस्काउंट समझना था, कल तो हमने मार्क प्राइस पढ़ ही लिया था। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट क्या हो जाएगा, जब आप मार्क प्राइस में से सिंपल यानी क्या हो जाएगा, एसपी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। हम एमपी को ही रहने देते हैं, जैसे हमें एमपी निकालना पड़े और हमारे लिए एसपी दिया हो और हमें हमारे लिए डिस्काउंट दिया हो तो अपन एमपी निकाल सकते हैं। तो एमपी यहीं पर रहने देते हैं, एसपी को साइड घुमा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एमपी इक्वल टू एसपी प्लस डिस्काउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट परसेंटेज अपन को निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट अपॉन एमपी। मैंने पहले भी कहा कि डिस्काउंट जो है किस पे काउंट होगा, एमपी पे होगा, डिस्काउंट अपॉन एमपी इनटू 100%। डिस्काउंट हमने पढ़ा ही है यहां से, एमपी माइनस एसपी होता है, तो डिस्काउंट एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इनटू 100% हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज।
अब यहाँ पे देख दिया है कि हमें यहाँ से अब इतनी कंडीशन दी हुई है, तो हमारे लिए एसपी ये और बेची उसने वस्तु 700 रुपए की, तो कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे लिए, ये 200 का प्रॉफिट हो गया। 500 की चीज थी 700 में बेची, 200 का प्रॉफिट हो गया किस पे, सीपी पे, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है लॉस होता है किस पे काउंट होता है, सीपी पे होता है। तो 20% का क्या आ गया हमारे लिए, प्रॉफिट आ गया। हम यहाँ पे सक्सेस से पढ़ रहे हैं कि हमने ये तो पढ़ी है, अब भी पढ़ते जा रहे हैं, तो सक्सेस से पढ़ रहे हैं कि क्या होता है सक्सेस, इन चीजों का सक्सेस होता है। हम यहाँ पे जब हम सीआईए पढ़ते थे कि 5% की हमें रेट लग रही है 2 वर्षों के लिए, तो क्या करते थे, 5 + 5 + 25, 5 × 5 ए बी अपॉन 100 ही करते थे, तो आ जाता था 10.25 आ जाता था, 2 सालों का सीआईए आ जाता था, सक्सेस मेथ हो गई। क्या करते थे, x + y + xy अपॉन 100 करते थे, ये हमारी सक्सेस मेथड हो गई। अब इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं और कम से कम 20% सवाल इसी वाली मेथड से, इसी वाले जो बोर्ड पे लिखा है इस पे सॉल्व हो जाने हो जाते प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट और लॉस के। 100% में से 20% सवाल यहीं से आते हैं और यही इसी वाले सबसे बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इतना हम जो लिख ही चुके थे हम यहाँ पे सिंप्लीफाइड रूप में लिखते हैं, जिससे हम इन फॉर्मूला का सक्सेस का या यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सके इसका यूज करेंगे। हमें सीपी दिया है, एमपी दिया है, एसपी दिया है, यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी गई थी अपने लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू उनको हटा देते हैं और यहाँ पे देखते हैं। सीपी से एमपी हमने मार्कअप परसेंटेज देख लिया और एमपी से एसपी हमने डिस्काउंट परसेंटेज देख लिया, और सीपी से एसपी क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। कैसे, अगर मान लें कि मेरी मेरे पास 100 रुपए हैं, 20% मेरी पेमेंट बढ़ गई तो 120 हो गई, फिर अगले साल फिर 20% बढ़ गई, या मान लो किसी शहर की जनसंख्या 100 है फिर अगले साल 120 हो गई, फिर अगले साल 20% बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगी, 144 हो जाएगी, 120 का 20% निकालेंगे तो 144 हो जाएगी। तो ये जो सक्सेसिव लग रहा है यही सक्सेसिव हम यहाँ पे लगाएंगे, इसी सक्सेसिव का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, एमपी माइनस डी, चूंकि डिस्काउंट यहाँ पे हमें माइनस में दिया है, माइनस में दिया इसलिए हम यहाँ पे एम माइनस डी कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हमारे लिए होता फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है xy + xy / 100 होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में दिया डी की वैल्यू माइनस में, तो क्या करेंगे एम माइनस डी इंटू एम डी अपॉन 100%। ऐसे में हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। किसी सवाल में अगर हमारे लिए एम पी दिया है, अंकित मूल्य परसेंटेज दिया है, मार्कअप परसेंटेज दिया है और डिस्काउंट परसेंट दिया है और हमें सवाल में पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो डायरेक्ट हम अंकित और प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज लेके हम उस सवाल का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, मार्कअप परसेंटेज कितना है यहाँ पे, 60 है, डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे 12.5% है, फिर यहाँ पे देखेंगे 60 - 12.5 - 60 × 12.5 / 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। क्योंकि हमने पहले भी स्टेटमेंट दे दिया है कि अधिकतर क्वेश्चन करना क्या है, अगर रेशो से करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, सहायता हो जाती है, हमारे सवाल सवाल सॉल्व बन जाते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन याद रखना कि अगर हमारे लिए बहुत छोटी वैल्यू दी गई है, हमें ऐसी वैल्यू दी गई है जो परसेंटेज में फंसेगी नहीं या नॉर्मल वैल्यू दी गई है, तो हम तो भाई फॉर्मूला ही लगाएंगे, दिमाग से खेलना है कि हमारे लिए अगर ईजी वैल्यू दी गई है तो हम अपने बेसिक फॉर्मूला का यूज़ करके ही आंसर निकालें, अगर हमारे लिए वैल्यू फंस रही है जैसे, तो हम यहाँ पे रेशो का मेथड का यूज करना ही चाहिए और अधिकतर चीजों में रेशो का यूज अपन कर सकते हैं। और इधर पे देखेंगे रेशो 7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5 और 12 - 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। सीपी से एमपी गए, सीपी से एमपी जाएं, सीपी रेशो एमपी देखें अपन, तो ये हो जाएगा सीपी कितना, यहाँ पे देखें जो मार्कअप होता है, मार्कअप वो किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, तो नीचे क्या दिया होगा, ये सीपी दिया होगा, सीपी कितना हो जाएगा 5। सीपी से 3 अपन ने मार्कअप कर दिया, 300 कर दिया था इधर पे हमने मार्कअप, 500 से 300 मार्कअप कर दिया था, तब पर क्या हो जाएगा, तीन मार्कअप कर देंगे तो एमपी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हम एमपी से अब एसपी पे जा रहे हैं तो हमारा एमपी क्या हो जाएगा, 8 ही है, 800, और 700 हमारा क्या दिया है, एसपी दिया है, हमारा एमपी और एसपी का रेशो कितना हो गया, 8:7 हो गया।
जिस प्रकार परिदृश्य जानते हैं कि ए बी और सी दी गई है हमारे लिए वैल्यू, इसकी वैल्यू 4 5 है, इसकी वैल्यू 5 और 2 है, तो हम यहाँ पे 5 5 दी गई है तो 5 का गुणा इधर पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे 20 25 और यहाँ पे 10 इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हमारे लिए एम पी एम पी समान है, तो हमारे लिए एस पी और सी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5:7 हो जाएगी। सी पी में एस पी जाने के लिए 2 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, 40% हो गया। तो इधर पे हम समझ गए कि डिस्काउंट परसेंटेज की बहुत बड़ी परिभाषा, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव का यूज करके प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे लिए मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, कैसे हम इन चीजों कर सकते हैं, बाकी हम क्वेश्चन में देखेंगे, बाकी इसको समझना बहुत जरूरी है। इधर पे हम इस फॉर्मूला की बात करेंगे कि एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज प्लस हमारे डिस्काउंट परसेंटेज। इसके लिए हमें इतनी सारी भगवद गीता का ज्ञान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई एसपी जो होता है वो सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है, इतनी चीज तो हम जानती हैं कि हमने 500 हमने लिया था पिछली बार, उसमें प्रॉफिट जरूर दिया 200, तो 700 सीपी आ गया था कि नहीं आ गया था, सीपी आ गया था। और एमपी में से मार्क प्राइस में से अपन डिस्काउंट घटा देते तब भी हमारा एसपी आ जाता, कैसे, एसपी एमपी था हमारा 800 रुपए, इसमें से डिस्काउंट हमने 100 घटा दिया था फिर भी 700 आ गया, इसलिए क्या हो गया कि सीपी यहां परसेंटेज क्या है कि जब हम देखो क्या हमने यहां लिखा भी है, सीपी हमेशा 100% होता है, सीपी हमारा 100% होता है, तो सीपी प्लस 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हो जाता है। जैसे कि मुझे सीपी पे 30% का फायदा हुआ तो 130 का फायदा हुआ 100 पे, ऐसा लिखते हैं, इसीलिए क्या लिख दिया, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, एमपी क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा एसपी, सीपी प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज एमपी। तो हम यहाँ पे एसपी को रेशो आ गया हमारे लिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ए और इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे एमपी को नीचे लाएंगे या सीपी को नीचे ले जाते हैं, तो एमपी अपन सीपी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज को अपन यहाँ पे ले आते हैं, तो अपने लिए फॉर्मूला क्रिएट हो गया एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। कभी भी याद रखना ये चीज जो है अपने लिए वो ना हमेशा अपन को लफड़ा करेगी, इसलिए मैं बता देता हूं कि अपन एमपी अपन सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये याद रखने के लिए अपन क्या करेंगे कि सी डी होता है, सी डी तो बस ऐसे याद हो जाएगा, सीपी लिखेंगे तो वहां डिस्काउंट लिखेंगे और एमपी लिखेंगे तो प्रॉफिट। याद करने का तरीका कि सीपी डिस्काउंट होता है, सी डी हो गया सी डी और एमपी यहां पे, इसलिए हमें याद रहे, मेमोराइज रहे। और क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो हम सीपी और एमपी का रेशो निकाल सकते हैं ऐसी कंडीशन में, अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट दिया है तो हमारे लिए एमपी और सीपी का क्या हमने रेशो निकल आएगा, और एमपी और सीपी का रेशो निकल आता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं पूरे सवाल का, हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे एमपी मार्कअप परसेंटेज निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे सीपी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे एसपी निकाल सकते हैं, हम सब कुछ निकाल सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, मान लेते हैं कि मेरे कोई वस्तु 100 रुपए की है और मैंने इसको 100 रुपए मार्कअप कर दिया तो 200 रुपए की हो गई चीज, 200 रुपए पे मैंने, अब दुकान में नहीं जाते अपन करते हैं कि इस जींस पे 10% तो डिस्काउंट मिल रही था, या अपनी साबुन में लिखा रहता है, सोप में लिखा रहता है कि आप 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, अब नई घड़ी नया उजाला 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 10% प्लस 10% डिस्काउंट, ये लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता, तो क्या करेगा वो 10% पहला डिस्काउंट दिया उसने तो 190 की चीज हो गई, फिर उसने दूसरा डिस्काउंट फिर 10% दे दिया तो अब 171 रुपए की हो गई चीज, एएसपी हो गया हमारे लिए, ओवरऑल डिस्काउंट निकाल के हमारा एएसपी आ गया। अगर ये 10% ग्राहक को ऐसे लगेगा कि ज्यादा मुझे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली मिल कहां रहा है, अगर वो डायरेक्ट 20% का देता 200 पे 20% का तो 40 का डिस्काउंट मिल जाता, तो उसको 160 की चीज मिलती, लेकिन दुकानदार बहुत दिमागदार है, वो 10-10 करके ऐसा ग्राहक को बताना चाहता है कि मैं सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन दे कुछ नहीं रहा है, वो 160 की मिलती, अगर 10 और 10 20% एक्स उसी
माफी प्राइस पे एक्स्ट्रा पूरा फुल डिस्काउंट देता, लेकिन भाई 171 की मिल रही है उसके लिए चीज, 160 की मिलनी चाहिए थी। यही तो कमाल है सक्सेसिव डिस्काउंट का, बिजनेसमैन की जान है ये। सक्सेसिव डिस्काउंट जो हो जाता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाता है, अगर हमारे लिए दो चीजें दी गई हुई एक्स और वाई, वो तीन डिस्काउंट दिए हुए हमारे लिए एक्स वाई और जेड, इसके बाद और डिस्काउंट देता तो क्या करते, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड 1000 माइनस एक्स वाई 1000, ऐसा कर सकते। अब हमने इसका निकाल लेंगे इस वाले जो फॉर्मूला कर रहे हैं, तो 10 पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100 तो 19% आ जाएगा। इसको अपन रेशो भी कर सकते हैं, इफेक्टिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारा, 10 में से एक डिस्काउंट मिला तो 9 हो गया, और 10 में से एक डिस्काउंट मिला तो 9 हो गया, तो 100 से 81 हो गई चीज, तो हमें कितने का डिस्काउंट मिल गया, 19 का डिस्काउंट मिल गया, हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हम डिस्काउंट वाले में फ्री डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि वाय वन गेट वन फ्री वाला, ऐसे कि एक वस्तु ले जाओ दूसरी वस्तु फ्री ले लो, तो वाय फोर गेट फोर वन फ्री ले लेते हैं। मान लेते हैं एक आर्टिकल का एमपी एक रुपए, एक आर्टिकल का एमपी एक रुपए है, डिस्काउंट कितना है, एक फ्री दे रहा है, एक का डिस्काउंट, एमपी कितना है, 5 है। इसको सीधा ये समझो कि एक दुकानदार कह रहा है कि 10 साबुन तुम ले जा रहे हो 10 रुपए की, तो 100 रुपए बिल हो गया, और जब 100 रुपए की तुम सामान ले लेते हो, 10 रुपए की सामान तुम्हें 10 की एक साबुन हम फ्री दे देंगे, 11 साबुन दे देंगे। ये कह रहा है फ्री वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन फ्री ना समझ कर इसको डिस्काउंट समझे कि 100 रुपए पे वो अपन को 10% का डिस्काउंट दे रहा है, वो 10 रुपए की साबुन चिपका दे या तुम्हें एक वो दे दे डिस्काउंट दे दे, बात तो बराबर है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एमपी जो है वो हो जाएगा फ्री वाला भी, और जो तुम ले रहे हो वो एमपी हो जाएगा, तो 5 एमपी हो जाएगा, डिस्काउंट एक हो जाएगा, एक का डिस्काउंट 5 पे, तो हमारा 20% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। यहाँ पे एक और देख लेते हैं, वाई थ्री गेट थ्री फ्री, डिस्काउंट 3 पे दे रहा, 3 फ्री दे रहा, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 3 हो गया। सीधी बात यहाँ ये समझ ली है कि फ्री बराबर डिस्काउंट क्या है, फ्री बराबर डिस्काउंट है, फ्री जब दिया हो डिस्काउंट ही दे रहा है, जो फ्री चीज दी गई होती है वो डिस्काउंट है, और एमपी जो है जो ले रहे हो दे रहे हो दोनों जुड़ जाते हैं तो एमपी बन जाते हैं। डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 3/6 1/2 50% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। इधर पे हम देखने वाले हैं कि एसपी क्या होता है, हम तो भूल ही गए थे भाई, एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस 100%, और एसपी जो सीपी जो होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस परसेंट हो जाता है। ये बिल्कुल बेगानी बातें होंगी, ये बहुत छोटी पुरानी बातें होंगी। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर नई चीज, नए कॉन्सेप्ट, क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं मुझे 45% का प्रॉफिट हो रहा है, 45% फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 9/20 हो जाएगी भाई, 100 लिखेंगे 9/20 हो जाएगी, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी बेस वैल्यू होती है 20 हो जाएगा, और जो हमारा एसपी हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 145%, ये तो हो गया सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 45% का, 45% हो 145%, परसेंट की वैल्यू 100 आ जाएगी, इसी फॉर्मूले का यूज किया, लेकिन हमें लग तरीके से लिखा हमने, हम इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कैसे लिखेंगे, 145/100 को हम 1.454 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते नहीं लिख सकते, परसेंटेज हटा दें, तो सीपी इंटू 1.545 ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। अगर हमें हमारे लिए 100 सीपी दिया है, 100 सीपी दिया है, तो हम एसपी कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 1.545 गुणा कर देंगे, हमारा सीपी आ जाएगा। इसी प्रकार हमें लॉस परसेंटेज दिया है, तो लॉस क्या हो जाता है, मान लो लॉस हमें दिया है 16.6 यानी 16 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन बोलती है 1/6, तो ये 6 पे हमारा सीपी हो गया, एक का हमें घाटा हो रहा तो 5 एसपी हो जाएगा, तो एसपी क्या हो जाएगा, 5 हमारा ऊपर आ गया। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो सीपी प्लस 100% प्रॉफिट, हमारा एस सीपी में से अपन ने एक लॉस घटा दिया तो 5 आ जाएगा अपॉन में 6, तो 5/6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा सीपी, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1-1/6 सीपी, ऐसा लिख सकते हैं। इससे समझ जाओ कि ये फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग सीधी बात दी है, अगर हमें सीपी निकालना है, एसपी दिया है 100 और हमें 100 दिया है एसपी, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट, और प्रॉफिट हो रहा है मुझे, प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो 10% ऐसा लिखेंगे 0.1 लिखेंगे 10% को,
तो 0.1 लिखेंगे इधर पे, तो हमारा सीपी आ जाएगा। इस वाले को याद रखना।